हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और खुशहाल होंगे। मेरा नाम है नीलम और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब। मेरे इस चैनल पे मैं रेसिपी, ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिंग, किचन टिप्स एंड ट्रिक्स से भरे हुए व्लॉग्स ऑलमोस्ट एवरी डे अपलोड करती हूँ। आपको एक बहुत सुंदर सीन दिखाऊँ, मेरा फेवरेट सीन है ये, जब दही जम जाती है ना, इसकी खुशबू कितनी अच्छी आती है यार। ये मेरा फेवरेट सीन है, अगर मेरा दही अच्छे से जम जाए, इसका सारा वे ऊपर आ गया है और जो दूध है वो जम के नीचे बैठ गया है। तो इसको अभी मैं फ्रिज में डाल दूंगी और 4-5 घंटे मेरा बहुत मस्त क्या बोलते हैं उसको, अच्छे से जमी हुई दही ना, मतलब चम्मच से काट लो आइसक्रीम की तरह ऐसी दही हो जाती है। आप पूछिए मत, मैं जब दही के बर्तन का ऐसे ढक्कन हटाती हूँ ना और इस तरह का मुझे सीन दिखता ना कि पानी ऊपर दही नीचे, आई फील सो हैप्पी। अभी जाएगा फ्रिज में। बाय द वे, ये दूध के चम्मच का निशान है, इट्स ओके। तो मैं बेसिकली शाम से अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ और शेयर करूँगी आपके साथ डिनर रेसिपी। और आज का जो डिनर है ये मेरा और मेरी बेटियों का फेवरेट वाला डिनर है। शर्मा जी डिनर में हमें ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, बेसिकली जब वो घर पर नहीं होते हैं किसी भी रीज़न से वो हमको डिनर या लंच पे ज्वाइन नहीं करते हैं। तो हम तीनों यही एक काम हर बार रिपीट करते हैं। कभी कभी हम लोग गर्ल्स डे आउट भी करते हैं, बाहर जाना, खाना खाना, शॉपिंग करना, पर रात में तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो खाना हमें पसंद है वो बना रही हूँ मैं हम सबके लिए और साथ में बैठकर देखेंगे हम एक मूवी। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे दाल चावल और आलू की भुजिया। दाल चावल मेरी बेटियों का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट वाला खाना है और दाल तो उन्हें किसी भी तरह की खिला दीजिए, बस उनके हिसाब की बनी होनी चाहिए, तो वो दालों को बड़े ही शौक से खाती हैं। और आलू की भुजिया, ये बिहारी स्टाइल भुजिया नहीं है, ये जैसा मैं बनाती हूँ वैसा स्टाइल है। आपको एक बहुत अच्छा मसाला भी मैं बताऊँगी जो मैं डालती हूँ इस भुजिया में, और वो मसाला डालकर बनाइएगा। दाल चावल के साथ आप इस आलू की भुजिया को खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। बहुत ही ईजी, क्विक और टेस्टी रेसिपी है ये। बस यहाँ तो अभी बन रही है दाल, और दाल तो मैं आपको कई बार शेयर कर चुकी हूँ, इसमें रेसिपी जैसा कुछ भी नहीं है। बस हाँ, मैं आपको बता देती हूँ, दाल मैं बना रही हूँ बल्का, वो भी स्प्लिट वाली नहीं, होल, लेकिन जिसका छिलका नहीं होता है, यानी कि जो लाल दाल होती है मसूर की होल वाली वो, और ये बहुत ही फेवरेट है मेरे घर में और टेस्टी भी होती है और काफ़ी हेल्दी भी होती है ये दाल। तो यहाँ पर दाल बन जाएगी और इसके बाद जो आलू की भुजिया बनेगी इस उसको बनाने से पहले मैं एक मसाला बनाऊंगी और वो मसाला की रेसिपी मैं आपको दूंगी। बाय द वे, मैं आपको बता रही थी कि जब भी मेरे हस्बैंड घर से बाहर जाते हैं किसी काम के लिए, या उनका टीम लंच होता है, डिनर होता है, या एनी एक्स वाई जेड रीज़न जिसकी वजह से वो हमें लंच या डिनर पे ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, तो मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड मेरी डॉटर्स हो जाती हैं और वो मुझे बताने लगते हैं कि मामा आज हम ये कर सकते हैं, आज हम वो कर सकते हैं। एज सच मेरे हस्बैंड कुछ भी करने के लिए टोकते नहीं हैं, बट अगेन बच्चों का मन होता है तो वैसे ही उनको एक्साइटमेंट आ जाती है। जैसे अब जब हम लोग छोटे थे तो मम्मी पापा हमें छोड़कर बाहर जाते थे तो कैसा हो जाता था ना मन, आज हम ये कर लेंगे, आज हम वो कर लेंगे, मम्मी पापा नहीं है, तो सेम सानवी खुशी का एक्साइटमेंट लेवल होता है। उनको लगता है आज हम गर्ल्स डे आउट कर लें, बाहर नहीं जा सकते हैं तो गर्ल्स मूवी नाइट कर लें, एंड देन दे टेल मी कि चलो ऐसा प्लान बनाते हैं, वैसा प्लान बनाते हैं, एंड आई मेरली एग्जीक्यूट दोज प्लान्स। बेसिकली प्लान्स उन्हीं के होते हैं। और दाल तो बन चुकी है, इधर मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं, अब फाइनली टाइम है आलू बनाने का। तो आलू बनाने से पहले मसाला बनाना है। कढ़ाई ले लिया है मैंने और इसमें मैंने बराबर मात्रा में जीरा और धनिया ले लिया है, एक चम्मच से नाप रहे हैं तो एक चम्मच, और जैसा आप बढ़ाना चाहें, 2 चम्मच धनिया के लिए 2 चम्मच जीरा, उस तरह से आप ले लीजिए। और इसमें डालनी है थोड़ी सी लाल मिर्चें सूखी वाली, और कितनी मिर्चें डालनी है उतनी, जितना टेस्ट आपको अच्छा लगे, आपके पास कौन से मिर्चें अवेलेबल हैं, वो कितनी तीखी हैं, तो उस
हिसाब से डाल लीजिएगा। ये जो मेरी मिर्चें हैं ये बहुत ज़्यादा तीखी वाली नहीं है, कलर वाली नहीं है, तीखी हैं पर बहुत तेज़ तीखी नहीं है, तो मैंने यहाँ पे 4-5 डाल दी हैं। और जो धनिया और जीरा है इसे आपको बहुत अच्छे से भूनना है, कलर चेंज होना चाहिए और मिर्चों के ऊपर भी भूने के निशान आने चाहिए, मतलब अच्छी तरह से भून लीजिए और इसको थोड़ा सा सूखने के लिए रख दीजिए, एज इन इसके अंदर जो गर्माहट है ना वो थोड़ा रूम टेम्परेचर आ जाए तब तक इसे आप रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए। मीनवाइल कढ़ाई में मैंने थोड़ा ऑयल लिया है और 2 लाल मिर्ची तोड़ कर डाली हैं और इसके अंदर इस तरह फ्रेंच फ्राइज जैसे होते हैं ना फिंगर स्टाइल मैंने आलू काट के डाले हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा हल्दी का पाउडर और थोड़ा सा हींग का पाउडर डालकर मैं इसे भून लूँगी। और अच्छी तरह से भूनिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे, इस पर लाल लाल स्पॉट्स आने चाहिए तभी इसका मज़ा आता है, तो इसे थोड़ी देर भूनिए और तब तक आपको भूनना है जब तक आलू आपके लाइक 90% डन हो जाए। मीनवाइल जो मेरा मसाला है ये ठंडा हो चुका है, मैं इसे पीस लूँगी। जार में मैंने जो मिर्चें हैं वो तोड़ के डाल ली हैं और ये जो जीरा और धनिया भुना हुआ है इसको भी मैं जार में डाल लूँगी और इसे आप अच्छी तरह से पीस लीजिए। और एक बार ये अच्छी तरह से पिस जाएगा तो इसके अंदर आपको है ना काला नमक और आमचूर मिलाने की ज़रूरत होती है। अगर आप इसको राइट नाउ सारा इस्तेमाल करने वाले हैं, अगर आप स्टोर करने वाले हैं, जैसे मेरा मसाला थोड़ा ज़्यादा है, ये सारा का सारा इस सब्ज़ी में नहीं जाएगा, इसलिए मैं इसमें नमक नहीं मिला रही हूँ। नमक मिलाने से मसाले की लाइफ कम हो जाती है, तो मैं इसे एज इट इज़ स्टोर कर दूंगी और जैसे जैसे जब जब इस्तेमाल करूंगी मैं इसमें इसके हिस्से का काला नमक और आमचूर मिलाती जाऊंगी। तो ये जो मसाला है ना ये मल्टीपर्पज़ मसाला है, आप इसे लाइक चाट मसाला की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह फ्राई कोई भी वेजिटेबल है उसमें थोड़ा सा मिला दीजिए, बहुत मस्त हो जाती है सब्ज़ी। और आपके पकौड़े हो गए, आपकी कोई भी चाट वाट हो गई उसके ऊपर भी थोड़ा सा यू नो छिड़क दीजिए, बहुत उसका स्वाद इन्हांस हो जाता है। यहाँ आलू अच्छे लाल लाल हो चुके हैं तो इसके ऊपर मैंने डाला है थोड़ा नमक और आमचूर और ये जो मसाला मैंने पीसा था इसका लगभग 1 चम्मच मैं डाल दूंगी। आप चाहें तो काला नमक डाल सकते हैं पर मुझे लगता है सब्ज़ियों में काला नमक उतना अच्छा टेस्ट नहीं देता इसलिए मैंने अवॉइड किया है, बस इतना ही काफ़ी है। और ये सब्ज़ी हो गई है रेडी, इसे आप सुबह में भी बना सकते हैं, 10 मिनट से ज़्यादा इस सब्ज़ी को तैयार होने में नहीं लगते, ये एक अच्छी खासी टिफ़िन बॉक्स रेसिपी हो सकती है। मेरे घर में तो मैं आपको बताऊं सच्ची में ये सिर्फ दाल चावल के साथ ज़्यादा खाई जाती है, मेरी डॉटर्स को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये तो हो गया है मेरा दाल रेडी और आलू की भुजिया भी हो गई तैयार, बहुत टेस्टी होती है, डू ट्राई इट वंस, मसाला जो मैंने आपको बताया उसके साथ। और यहाँ चावल भी तैयार हो गए हैं, रेस्टिंग टाइम मैंने इन्हें दे दिया था, बस वक्त है मैंने थोड़ा सा फ्लफ कर लूँ वरना ये जो पतीला है ना इसी का शेप ले लेंगे और फिर इन्हें हमें काट काट के खाना पड़ेगा केक की तरह। तो बस चावल रेडी हो गए हैं और अब हम लोग डिनर करेंगे और मूवी देखेंगे, और मूवी का डिसाइड हुआ बट ये डिसाइड नहीं हुआ कि कौन सी मूवी देखें क्योंकि बच्चे लोग ज़्यादातर एनिमेटेड या कार्टून मूवीज़ ही देखते हैं और मुझे एज सच एनिमेटेड मूवीज़ का शौक़ नहीं है, तो हम लोगों ने बॉलीवुड की ही एक मूवी ढूंढी। और ये देखिए खुशी नींबू का कैसे प्रेस कर रही है, और जो मूवी हमने डिसाइड की वो थी सैफ अली खान वाली थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक, क्योंकि इसमें बच्चे भी थे मैजिक भी था परी भी थी, मुझे लगा कि ये सही रहेगा बच्चों के साथ देखने के लिए, और बड़ों के हिसाब से नहीं कह रही मैं पर बच्चों के साथ देखने के लिए अच्छी मूवी है। फ्रेंच फ्राइज और आज के सिंपल से डिनर थाली में है दाल चावल आलू की भुजिया थोड़ा सा प्याज का सलाद, नींबू जो खुशी रोल कर रही थी ना प्रेस कर रही थी वो बेसिकली सलाद के लिए ही, उसे पता है कि इस तरह नींबू रोल करने से नींबू से ज़्यादा जूस निकलता है वो भी आसानी के साथ। तो बस ये हमारा एकदम कम्फर्ट फूड और हम लोग हाथ से खा लेते हैं, हम लोग को हाथ से खाने में कोई इश्यूज़ नहीं है। और ये है बेसिकली फ्राइडे नाइट और ये है सैटरडे इवनिंग के क्लिप्स, सैटरडे मैंने आज सच कुछ शूट नहीं किया था बस शाम में हम लोग थोड़ा बाहर निकले थे तो वही सब मैंने कैप्चर किया है।
तो हम लोग बाहर निकले थे थोड़ा घूमने फिरने और थोड़ा चटोरपंती करने के लिए। तो शर्मा जी गए थे सानवी खुशी के लिए जूस लेने के लिए, और साथ साथ उन्होंने थोड़ा खाने के लिए भी ऑर्डर कर दिया था। बट सानवी खुशी को ऐसा लग रहा था कि सिर्फ जूस ही पीना है, बिकॉज़ उन्होंने मना किया था कुछ भी खाने के लिए। पर शर्मा जी ने उनके लिए जूस तो लाया ही, साथ साथ कुछ खाने के लिए भी ले आए। तो शानू बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गए इस बात पर कि उसे खाना नहीं है तो उसके लिए क्यों ऑर्डर किया। और शर्मा जी को शहर का कोई भी अच्छा फूड जॉइंट पता चलता है जिसकी उनकी फ्रेंड्स वगैरह तारीफ़ करें तो वो ज़रूर हमें वहाँ लेके जाते हैं वीकेंड पे खाने के लिए। और यहाँ शानू के नाटक शुरू हो गए, उसने लिटरली रोना ही शुरू कर दिया कि उसे नहीं खाना है। तो शर्मा जी ने बजाय उसे डांटने के उसे समझाना शुरू किया, अपने हाथ से वो उसे खिला रहे हैं, साथ साथ समझा रहे हैं कि जब हमें खाना मिलता है तो ये हमारे अच्छे कर्मों का नतीजा होता है, हमारी खुशनसीबी होती है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोगों को खाने को भी नहीं मिलता है। एंड आई थिंक इट इज़ अ गुड अप्रोच। शानू को धीरे धीरे समझ भी आ गया। एक बहुत गहरी बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं एक्सपेक्ट कर रही थी ना दोनों टाइम, तो लाइक एवरी अदर बहू मुझ पर भी बहुत प्रेशर था कि बेटा होना चाहिए, और समवेयर सभी के दबाव में आके मेरी भी सोच ऐसी हो गई थी कि एक तो बेटी हो गई है दूसरा बेटा होना चाहिए। पर शर्मा जी की सोच कभी भी ऐसी नहीं थी, उनको जो मिले बेटा मिले कि बेटी मिले ही वॉज़ वेरी हैप्पी। फिर मुझे दूसरी बार भी बेटी हो जाने से मैं थोड़ी सैड थी, बिकॉज मेरा थोड़ा मानसिक अवस्था ही ऐसी हो गई थी सब लोगों के, आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रही हूँ। इतना आसान नहीं होता है एक फीमेल के लिए जब वो लड़की को जन्म दे। लेकिन उस वक्त पे मेरा जितना भी ढांढस बंधाया, मेरी हिम्मत बंधाई, वो मेरे हस्बैंड ही थे। उन्होंने कभी बच्चों में लड़का या लड़की होने का भेदभाव नहीं किया, एंड ही सो हैप्पी सो ग्रेटफुल कि भगवान ने उन्हें दो बेटियां दी हैं। और आज की तारीख में तो मैं भी बहुत ज़्यादा अपने आप को लकी महसूस करती हूँ कि भगवान ने मुझे ऐसी प्यारी बेटियां दी हैं। और मैं आपसे भी यही कहना चाहती हूँ, बच्चे भगवान की देन होती हैं, हमारी किस्मत में जो लिखा है वो हमारी आने वाले संतान के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए भगवान हमें बेटा देते हैं या बेटी देते हैं, उसे सर आंखों पे रखना चाहिए। लोगों के कहने में आके कभी भी अपने दिलों में या अपने घरों में टेंशन का माहौल मत क्रिएट कीजिए। ऊपर वाला हमें हमसे बेहतर जानता है, हमारे लिए क्या अच्छा है वो उन्होंने पहले से ही प्लान कर रखा है, और हमें वो ही मिलता है जो हमारे लिए बेस्ट है। तो कभी भी ऊपर वाला बेटा देता है कि बेटी देता है, वो उनकी तरफ से हमें हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है, और इसमें कंपैरिजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये मैंने मेरे हस्बैंड से सीखा है। इंडियन सोसाइटी में प्रेग्नेंट होने पर यह प्रेशर शायद सभी को झेलना पड़ता है, बट ट्रस्ट मी जो होता है अच्छे के लिए होता है। का लेके आए हो? अरे हमारे गले में मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मुझे नहीं खाना मार्शमेलो। आपको मार्शमेलो नहीं खिला रहे, वही तो है। ये शर्मा जी तुमने एक चीज नोटिस करी, बच्चों के खाने की जो चीजें होती हैं उनके कलर उनकी स्मेल कितनी अलग होती है। यू फाइंड देम टेम्पटिंग? पहले लगता था मुझे अपनी दवाइयों जैसे होता है, जैसे बच्चों की खांसी की दवाइयां होती है ना, मुझे ऐसा टेस्ट होता है। तूने इसमें कॉइंस रखे हैं नहीं? नो 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 बेटा, फिर सब लोग बोलेंगे कि आप नो क्यों बोलते हो जब बच्चे खाने को देते हैं। डोंट ओपन मी दिस, आई डोंट लाइक स्वीट्स। बात तो सही, आप मत भी खाओ अगर आपका मन भी हो रहा है, क्योंकि इसके ऊपर नॉन वेज का साइन बना है तो एंड डाइसी की इसमें अंडा हो सकता है। हाँ मेरा बच्चा, कितना ख्याल रखती हो तुम मेरा। पर इसके इंग्रेडिएंट्स में मुझे आज से जैसा कुछ लगा नहीं। आपको पता है इसमें क्या नॉन वेज है इसके इंग्रेडिएंट में? नहीं, बाद में देखूंगी मैं। और मैं बाय द वे इतना बोल रही थी कि चेंज कर लो और सारा पैकेट एक ही दिन मत खाना। ओके हाँ खुशी, बस बेटा आप मत खाना। हाँ नहीं खा रहे हो, मैं पूरा खा जाऊंगी। और चीज कहाँ आ गई? चीज मैंने वो भी और
ये है वो चीज़ जो मुझे आप कई बार पूछ चुके हैं, मैं कई बार बता चुकी हूँ। डेरी क्राफ्ट का होता है ये, मोज़रेला प्लस चेडार होता है, और ये पिज़्ज़ा पे, ब्रेड पिज़्ज़ा पे बहुत अच्छा लगता है। और ये है ना 1 किलो का पैकेट है मेरा, ये 2-3 महीने चल जाता है, उससे भी ज़्यादा चल जाता है कभी कभी, पर जितना बड़ा पैकेट लाएँ उतनी इकोनॉमी होती है। और इसे स्टोर कीजिए आप फ्रीज़र में तो ये आपका आराम से महीनों चलेगा। लाइक आपका जितना भी कंजप्शन है उस हिसाब से आप देख सकते हो। इसका हाफ जो, जैसे ये है 540 का, लेकिन इसका हाफ ही 300 के प्लस होता है, तो आप देख सकते हो बड़े पैकेट में इकोनॉमी होती है, इसलिए मैं बड़ा पैकेट ले आती हूँ। आप इसे इसमें से निकाल के फ्रीज़र में आराम से किसी दूसरे कंटेनर में डाल के स्टोर कर लें, ये महीनों महीनों आपका साथ देगा। और ये हैं कंपाउंड्स, चॉकलेट कंपाउंड्स, कुकिंग चॉकलेट भी कहते हैं इसको, तो वाइट और डार्क में लेकर आई हूँ। मिल्क मेरे पास है, इस बार मॉडे लेकर आई हूँ, अदरवाइज़ वैनलीर लाती हूँ। भैया के पास इस बार वैनलीर नहीं था इसलिए मुझे मॉडे लाना पड़ा। बाय द वे अमूल का भी आता है, वो भी बहुत टेस्टी होता है। और ये देखिए वीकेंड शुरू हो चुका है, आज हम मूवी देखेंगे। शर्मा जी आज हम मूवी देखेंगे ना। okay. ये तो नॉन अल्कोहलिक है ना, ये तो ड्रिंक है ना, बेसिल ड्रिंक है ये तो। यो। ये तो अच्छा, ये तो बच्चे भी पी सकता है। नहीं बच्चे कुछ नहीं पियेंगे, बच्चे मार्शमेलो खा रहे हैं, बच्चे और कुछ नहीं पियेंगे। बच्चे दूध पियेंगे और सो जाएंगे। वापस आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या ये हाथ में क्या है? कचरा, ये इसने काट काट के इकट्ठा किया है। ये कचरा नहीं है, ये खुशी के क्रेडिट कार्ड्स हैं। क्रेडिट कार्ड। खुशी दिखाओ क्या है हाथ में। खुशी मुझे नया टैबलेट। खुशी सारे कपड़ों के ये जो होते हैं ना टैग्स एंड ऑल, ये संभाल के रख लेती है, ये खुशी के क्रेडिट कार्ड्स हैं। और मैं आपको थोड़े पिक्स दिखाती हूँ। ये है खुशी कुछ महीने ओल्ड, देन खुशी एंड सानवी, खुशी लाइक अराउंड 2 ईयर्स ओल्ड और सानवी अराउंड 4 ईयर्स ओल्ड, खुशी लेस देन 2 ईयर्स। शाहरुख का फर्स्ट मेडल उसने जीता था, और इस पार्टी में हम गए थे, ये शर्मा जी के ऑफिस का पार्टी था, वहीं पर ये खुशी का पिक है और ये शाहरुख का पिक है। और यहाँ पे बहुत फेमस नर्मदा डैम है, वहाँ हम लोग एक बार गए थे, वैसे कई बार जा चुके हैं लेकिन फ़ोटो खींचा था एक बार, तो तभी का ये शानू, खुशी एंड शानू, खुशी एंड शानू। एंड देन ये है सात कमान चंपानेर।